Mubarak, happy anniversary. Bismillahirrahmanirrahim. Mubarak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak. Meri dulan. तो आज हमारी एनिवर्सरी पूरे हमें 13 साल हो गए. माशाल्लाह माशाल्लाह आमीन. अल्लाह रहम करे, फजल करे, करम करे और हयात में खूब बरकत दे और जोड़ा सलामत रखे. आमीन आमीन आमीन. तो रात के 12 हो गए, अभी ज्यादा से ज्यादा 12:05 हो गए हैं. और ये रहा शुरुआत का केक जो मैंने बनाया था. सबसे पहले हमारी शुरुआत कैडबरी से हमेशा होती है हर चीज के लिए, इसके लिए पहले कैडबरी छोटी. तो ऐसी सब शुरुआत है. प्लीज 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 हमारे लिए खूब सारी दुआ करो, खूब 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 सारी दुआ करो. आमीन आमीन इंशाल्लाह. सब लोग दुआ करो हमारे. तो अभी बताते हैं आगे और क्या 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 करेंगे, मतलब कल सुबह करेंगे, अभी तो नहीं. तो कल सुबह इंशाल्लाह वापिस मिलेंगे. अच्छा तो बेटी ने आवाज कितनी निकाल के तू बैठेगी तो. तो करो मुश्किला चालू है. ये सुबह है डालूंगी वो भी. अभी मैं इतना डरी उसकी वजह थी छोटी, मुझे पता नहीं था तो मैं आके बैठ गई थी वो भागने को ना मैं बैठने को. वो इतनी डर जाती ना बेचारी, इतने जोर से चिल्ला दिया मैं कौन सा पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर. एनिवर्सरी की तैयारी इसकी चली थी, मतलब तैयारी मतलब याद दिलाने का काम किया. मैं किधर काम से निकल निकल कैसा जाऊंगा मैं, मेरे को तेरे से ज्यादा याद. मुझे तो एक्चुअली हाँ ये बात सही कही, तेरे से ज्यादा मेरे को सब तारीख मालूम क्या समझी. तो मैं कैसा जाऊंगा किधर. तो उसमें हुआ ऐसा है ना कि भले ये 13 साल हो गए कायदेसर मतलब निकाह करके शादी करके इससे जो भी है निकाह 13 साल हो गए. एक्चुअल में ये मेरी जो सखी है ना, इसको मैं पहले सखी बोलता था ना, तो ये मेरी सखी जो है ना तो 15-16 साल से है. ज्यादा ज्यादा ज्यादा. तो हमारा प्यार पहले से था, एक दूसरे को हम पसंद करते थे. अल्लाह के पास के पास दुआ की बहुत सारी, तो ये बहुत सारी दुआ की तो मेरा प्यार मेरे को मिल गया, ये हीरा मेरा. तो ऐसा रहा. और सच में मतलब इस बात की ना बर्थडे से ज्यादा, मतलब जो अपने बर्थडे रहते हैं ना उनसे ज्यादा खुशी ना हमें खासकर ना एनिवर्सरी की रहती है ना. क्योंकि ये बात कुछ अलग हो जाती है और अलग फीलिंग, सब कुछ अलग, फिर सब कुछ अच्छे से नए तरीके से याद आना. फिर बहुत सी ऐसी बातें भी हमारी होती है शादी के पहले की ऐसी, तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो 13 साल अल्लाह के करम से और सच में बहुत अच्छा टाइम गया. ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अच्छा गया. स्टार्टिंग का कुछ वक्त बोले तो 10 महीने ना स्टार्टिंग के, मतलब जैसे मेरी शादी हुई इनसे तो स्टार्टिंग के 10 महीने थे तो जो अच्छे नहीं थे. अच्छे नहीं थे बोले तो इसको ये बातों की कुछ आइडिया नहीं थी ना, कैसा क्या तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था. लेकिन अल्लाह के करम से उसका सब अच्छा हो गया. अभी इतना माशाल्लाह है ना उसके अंदर, एक चीज़ें भरी थी कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. बहुत समझ है, बहुत समझदार है और ऐसी भी बहुत टैलेंट है और बहुत वो ये है क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोलते है? अरे मुझे क्या पता तुम क्या बोलना चाहते हो। स्मार्ट है और बहुत होशियार है, इसके लिए बहुत माशाल्लाह बहुत जल्दी कवर किया उसने। मैंने भी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये इतना अच्छा बनेगी, लेकिन बन गई। अल्लाह ने बनाया और अल्लाह उसको और भी अच्छा बने, ये मेरी दुआ है। रात दिन उसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि हमारा जोड़ा सलामत रहे और बुरी नज़र से बचे। आमीन। और अल्लाह पाक हमेशा को हमारा हर अरमानों को, उम्मीदों को, हमारे ख्वाहिशों को पूरा करे। आमीन। और अल्लाह जैसा उसके जो चैनल के काम है इसमें उसको खूब कामयाबी दे, तरक्की दे, उसका नाम रोशन करे और खूब सारा। ये देखो हमारी बैकग्राउंड इतनी मस्ती चली उन लोग की। तो ऐसा सब रहा, अभी बाकी का जो और बाद में बोलेंगे, ठीक है? तो अभी सुबह मिलते हैं। वैसे अभी हम लोग सोने वाले नहीं है, अभी तो हम जागेंगे कम से कम, हमें पता नहीं कम से कम 2-3 तो बजेंगे, छे ना? इतना हम जागते हैं, मतलब तुरंत सोते नहीं है, हम फुल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप लोगों को हम कल सुबह मिलेंगे, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है, हमने नहा धो भी लिया है, हमने मतलब मैं ना आई हूँ, दानिश अभी गए है। और आज का दिन बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडा रहता है ना तो काम वगैरह करने अच्छा लगता है। तो रात में बहुत लेट हो गया हमें सोने के लिए, 2 बजे हम सोए हैं और सब माशाल्लाह से दिन जा रहा है। आज का दिन भी अल्लाह करे अच्छा जाए और सब अच्छा 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 हो। पापा गिरेगा ना? तो ऐसा सब चला है। फिर आज तो खाना बनाने का पूरा दानिश कल ही लेकर आए थे, आज जो पकाना है वो तो मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या पका रही हूँ। और क्या, बहुत अच्छा दिन सच में, अच्छा जाना चाहिए, वो सब अच्छे से होना चाहिए। ऐसे बाकी तो आप लोग बताओगे कैसा है क्या है, वो दुआ करो सब ठीक रहने के लिए। तो ऐसा जा रहा है हमारा, मतलब दिन की शुरुआत तो हो चुकी है दिन जा रहा है, नहीं दिन की शुरुआत हो रही है। और फिर दानिश को थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, कुछ कुछ चीज़ें लानी है, जैसे कि नहीं बोलूँगी, दिखाऊँगी वो ये वीडियो में बताऊँगी या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नहीं इसमें नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी मैं चाहती हूँ थोड़े छोटे छोटे ही वीडियो बना लूँ इसके लिए। तो अभी दिखाती हूँ मैं खाने में वगैरह सब क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, ठीक है? काम कम है जो ये सब हो गया, देखो ना पूरा दूध चला गया, पूरे बर्तन जो मैंने धोकर रखे है ना वो तक सब दूध हो गया है, सब जगह देखो पूरी तरह से दूध हो गया। क्या करो आज के खाने का मेनू, ये तंदूर करूँगी मैं, ग्रिल करूँगी देखो इस तरह से। और ये मिर्चियाँ रखी है, ग्रिल करके खाने बहुत अच्छा लगता है। और ये एक नारियल मैंने किस लिया है, इसका भी एक नारियल का दूध निकालूँगी। और ये है पापलेट, ये 8 पापलेट है, ये 5 पापलेट है, ये टमाटो, ये हरी मिर्च और ये कोथमीर, ये रही इमली, ऐसा सब सामान तैयार है। अभी मैं ये खाना बनाने वाली हूँ आज, स्पेशल मेनू पूरी तरह से पापलेट का। दानिश चले गए अभी बाजार, नाश्ता वगैरह सब कुछ हमारा हो चुका है। और बारिश है तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश नहीं रहती तो तुरंत कितना जल्दी गर्मी हो जाती है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता कितनी फटाफट गर्मी करने लगती है। छोटी यहाँ बैठी है और मुझे को पता है उसके साथ मैं खेल रही थी वो सोफे के नीचे चला गया है और फिर मैं यहाँ आके ना बात कर रही हूँ। वो 3-4 दिन से इतना लाड़ में आया है ना, कुछ करने ही नहीं देता है, कुछ भी नहीं, उसको बस ऐसा रहता है ना कि बस मेरे साथ रहो, मेरे को गोद में रखो। अब लोग यकीन नहीं करोगे, आज मैं नहाने भी गई ना तो मैंने क्या किया कि वो सोया था कुर्सी के ऊपर, तो उतने में मैंने सोचा चलो मैं फटाफट सब मतलब मेरा कर लेती हूँ, मैं नहाने चली गई, तुरंत उठा और ऐसा चिल्लाने लगा आखिर मुझे बाथरूम से भी उसका आवाज़ देनी पड़ी कि मैं यहाँ हूँ तुरंत चुप हो गया ऐसा उसका चला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसका क्या करे कैसे करे
बहुत ज्यादा लाड़ में आया, लेकिन बहुत मजा भी आती है मतलब उसके साथ। उसको खेलना आजकल बहुत पसंद आ रहा है, एकदम पकड़ा पकड़ी खेलने की रहती है वो, घर में आपके भागना पड़ता है। और मेरा वेट बढ़ने की वजह से मुझे ना ऐसा थोड़ी सी दम सा लगता है मतलब मैं थक जाती हूँ जल्दी से, सांस फूलने लगती है, तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो देखती हूँ मेरे वेट का भी जल्द से जल्द कुछ करना है। कुछ करना क्या है, अच्छी खासी एक्सरसाइज करनी है ऐसा सब चला है। अभी देखते हैं, अभी दानिश आएंगे फिर तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं खाने पर ही दानिश के साथ मतलब मिलाती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, खाने पे मिलते हैं। तो अभी हम खाना खाएंगे, देखो खाना खाने बच्चे पापलेट खाने के लिए पहुँच चुके हैं। और ये रहा पापलेट का सालन जिसके अंदर मैंने नारियल का दूध डाल के बनाया है, ये इतना टेस्टी बनता है ना, कभी फिर कभी मतलब इसकी रेसिपी बताऊंगी मैं। और ये रहे चावल, तभी हम खाएंगे खाना। पापा लोग रुको, देती हूँ रुको। ये देखो इन लोगों ने शुरुआत की भी पहले इनको ही दूंगी फिर हम खाएंगे। अच्छा लगा हाँ, खा। कौन सा चाहिए छोटी को, कौन सा चाहिए छोनी, तू भी आ ना पापा, आजा। ये देखो कैसा यहाँ बैठा है, आजा आजा आजा। ये भी पापलेट खाएगा छोनी, खाएगा पापलेट खाएगा। चलो खाओ, कौन कौन खाता है, चलो खाओ जल्दी जल्दी, किसी को नहीं खाना है। अच्छा मैं निकाल के देती हूँ। ये देखो एक की भर भी गई, एक ही खा रहा है, दो पापलेट दिए थे देखो दोनों में से इतू से साफ किया है। और दानिश को बताती हूँ, अभी हम खाने को बैठेंगे। अरे दानिश अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग, खैरियत से हो ना। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आमीन आमीन। अभी अब मैं खाना लाती हूँ। तो ये रही दानिश की प्लेट, और दानिश खाकर बताएंगे। और ये ककड़ी काटी है, और ये मैंने सब ओवन में ग्रिल किया है, अभी दानिश बताएंगे खा के कैसा है। दानिश को ये फिश करी मतलब जो नारियल का दूध डाल के ना वो बहुत पसंद है, तो मैं रेसिपी इसकी फिर कभी शूट करूंगी। अच्छा लगा ना, वो ग्रिल खा के बताओ कैसा है, बच्चों ने तो। सॉरी मुझे ना मेरी फ्रेंड का फोन आया इसके लिए कट हो गया, तो चलो खा के बताओ। मस्त है, क्योंकि देख रहा है मिर्ची का खाओ, मिर्ची ये मिर्ची कभी भी ना ग्रिल करके खाओ या फिर गैस पे ऐसे ही भूनो, इतने टेस्टी लगते हैं ना, है ना। तो चलो अभी मैं भी खाती हूँ, और इस वीडियो को भी यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ करते हैं। देखो ये देखो बच्चे लोग ये भी खाएंगे मस्त, इनको पापड़ बहुत पसंद है। ये बिल्कुल नहीं खाएगा, इसको कुछ पसंद नहीं है ना छोनी, कुछ पसंद नहीं ना तुझे। हाँ खिलाने का पसंद है ना एक मिनट छोनी कैसा होगा इस बच्चे का, सच में समझ नहीं आ रहा है। तो अभी हम यहाँ अल्लाह हाफिज़ करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें केक कटिंग होगा, और दानिश ने क्या क्या लाया मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी। ठीक है चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दानिश खाने में इतना बिजी, देखो चलो अभी मैं भी खाती हूँ, बहुत भूख लगी है। धन बाबा पंखा लगा दीजिए, बहुत गर्मी है।